आजाइए, आपको आज शो दिखाते हैं और बाद में इसको आपके मीटर भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये सारे अलग अलग सिलेंडर हैं जी जी, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला नजरे पास से बचाए आप लोग माशाल्लाह, जल्दी से लिखते हैं भाईजान। और करते ये हैं ये के यहाँ से अंडे लेते हैं, इनके नीचे रख के बच्चे निकलवाते हैं। और एक तो आपने जो नीचे जोड़ा लगाया है उसका तो आपने वो खुद ही पाले, वो बच्चे ने खुद ही पाले, वो बच्चे उसने बच्चे खुद ही पाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है, आप लोग देख रहे हैं HFN एंटरटेनमेंट। और ये रहा हमारे पास मिट्टू मियां, जो कि येलो अलेक्जेंडर का बच्चा है, वसीम भाई की 7 साल की मेहनत के बाद ये रंग आया है। मतलब कहते हैं ना, हम 7 साल मेहनत किए फिर हम लोग रंग लाते हैं, तो इन्होंने भी 7 साल मेहनत की है ये रंग लाने के लिए। ये बिल्कुल ओरिजिनल 100% रंग आ चुका है। और उसके अलावा इसके जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं, कहीं ये भाई से नहीं लिया, ये होम ब्रीड है, वो दोनों यहाँ पे आ रहे हैं इसके पास, ये मांग रहे हैं वापस अपने बच्चे को। उसके अलावा जो येलो अलेक्जेंडर इनके पास और पड़े हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और मेरा ख्याल है कि एक शायद एक गाड़ी आ सकती है इसको देके। तो यहाँ पे देखें, अगर आप थोड़ा सा, अगर मैं इसको इस तरफ लेके आता हूँ तो इसके जो माँ बाप हैं यहाँ पे आ जाएंगे इसको मांगने के लिए कि हमारा बच्चा वापस करो। यानी कि ये सेल्फ फीड पे है। होता असल में ये है, जब हम लोग बच्चे को पालते हैं ना हैंड फीड पे, खुद पालते हैं, वो ब्रीडिंग में बड़ी प्रॉब्लम करता है। वो हर टाइम ना आपके अंदर इंटरेस्ट लेता रहता है, आप फीड देंगे, आप पास आएंगे, आप खाना खिलाएंगे। लेकिन ये 100% अपनी पेरेंट्स की फीड पे पाल रहे हैं, इसके माँ बाप इसको पाल रहे हैं। तो ये जब सेल्फ हो जाएगा तभी आप लोगों के घर में होगा, किसी को शो करना हो, कोई चाहता है कि यार हमारे घर पे हो, तो आप लोग वसीम भाई से रब्ता करके ले सकते हैं। वसीम भाई, कैसा महसूस हो रहा है 7 साल मेहनत करने के बाद एक खूबसूरत तरीन किस्म का परिंदा? माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करोड़ों शुक्र है, अल्लाह मियां ने मेरे जोड़े ने मतलब बरकत अता फरमाई। मतलब कि अब ये 7 साल की मेहनत के बाद अब मुझे माशाल्लाह 2 बच्चे आए हैं। पहला बच्चा दे दिया मैंने और दूसरा माशाल्लाह ये पैंट फीट पे पाल रहा है, माँ बाप खुद ही पाल रहे हैं इसको, मैंने हैंड फीट पे नहीं उठाया इसको। वजह ना उठाने की हैंड फीट पे, वजह के पेरेंट अच्छा पाल रहे थे जी, तो मैंने कहा कि भाई यही खुद ही पालते रहे तो बेहतर है, खराब नहीं करना। हाँ, होता ही है, खराब हो जाता है ना बर्ड। जी जी, मसलन कि हैंड फीड पे पला हुआ और मदर फीड पे पला हुआ, जमीन आसमान का, उसका साइज का, उसकी ग्रोथ बड़ा फर्क होता है। आपके पास इसके स्प्लिट भी पड़े हैं, स्प्लिट मिल जाएंगे दोस्तों के लिए? जी मिल जाएंगे, स्प्लिट भी मिल जाएंगे। और ये भी किसी को शोक करना हो तो शोक के लिए आप दे देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और ये खुल जाएगा ऊपर वाला गेट, नीचे वाला खुलता है, नीचे वाला खोल दे नीचे वाला। तो ये आप लोगों के सामने बच्चा है इस टाइम, बाकी आपको बर्ड फ्लू भी ऊपर जाके दिखाते हैं। तो अगर किसी को शौक करना हो तो उसके शौक के लिए है, ये वसीम भाई की होम ब्रीड है। और हम लोगों ने जब इन्होंने अंडे दिए थे, बल्कि देने वाले थे अंडे, जब हमने बताया था कि पहली बार ब्रीड आने वाली है और अगले साल तो बच्चों का ढेर लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये तो आपने बच्चे लिए थे ना ऐसे 7 साल पहले? हाँ जी, मैंने बच्चे लिए थे, उस वक्त समझे 5 का बच्चा लिया था मैंने। तो कभी दिल नहीं खट्टा हुआ कि यार ब्रीड नहीं आ रही है? मेरे शौक है, शौक में दिल खट्टा होने की बात नहीं होती, ये मैंने शौक से रखे हुआ पड़ता है। अगर शौक ना होता तो कभी अपने दे भी होते। चलें जी, इसको छोड़े, हम ऊपर चलते हैं। हम लोग ऊपर आ गए हैं, यहाँ पर स्प्लिट के यहाँ पे वो लगे हुए ब्रीडर लगे हुए हैं और इनके स्प्लिट बच्चे पड़े हुए हैं, बच्चे मिल जाएंगे। और येलो के अंदर और ग्रीन के अंदर मिक्स है, तो भी दिखाते हैं। वसीम भाई कहाँ पे शुरू करेंगे? यहाँ से। ये कौन सा वसीम भाई? ओलिव है। वसीम भाई इसकी ब्रीड आई है? पिछले साल जो मैंने देखे थे वो यही थे बच्चे, अब तैयार 4-4 साल के हैं ये? 3 साल में। अच्छा, अभी ऊपर वाला गेट खोले जरा वसीम भाई। माशाल्लाह, फीमेल बहुत ही स्टैंडर्ड की फीमेल है। और ये इसके शोल्डर वगैरह चेक करें, इसकी टेल देखें, बड़ा अच्छे साइज के अंदर फीमेल है। जी वसीम भाई, अब क्या देखें? माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी टांकी से मैं टांग के ऊपर ये रेड कलर नजर आ रही है, बिल्कुल क्रीम में काट तो नहीं, ये जो जा रही है फुल रेड, झाग कमर पे भी इसकी है वसीम भाई, जिस तरह स्ट्रैंगल नहीं होता जी जी, उस तरह के विंग्स इसकी कमर पे भी हैं। इसके स्प्लिट पड़े हुए हैं, इसके स्प्लिट मिल जाएंगे वसीम भाई से, वीडियो के लास्ट में हम लोग शेयर करते हैं कैसे मिलेंगे। अच्छा, लेकिन क्या ओलिव का ये अपने लिए है? ठीक है जी, ये अपने लिए है, आगे चलते हैं जी। खोलें जरा इसको, इसका क्या है हिसाब किताब वसीम भाई? 8 का पीस है। 8 का पीस। ये कितने हैं? ये 3 है जी। तीनों किसी को भी चाहिए हो तीनों ले, तीनों लें तो क्या हिसाब होगा?
गाड़ी बुक करा देंगे आपके नाम पे, क्या मकान बुक करा दें? 24। अच्छा ये क्या बनाना चाह रहे हैं, ओलिव और ये येलो क्या बनाना चाह रहे हैं? ठीक है, मतलब ग्रीन में कहानी खत्म हो जाएगी यार माशाल्लाह से। अगर आप गौर से देखें, पता नहीं मुझे इसके नजर आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल ट्रायंगल पूरी कमर इसकी जो है ऊपर, वो छाती या तो बाहर ना आ जाए यार, ये देखेंगे पूरी माशाल्लाह से पूरा ट्रायंगल टाइप पीस है, कमर के ऊपर पूरा फैक्टर आया हुआ है इसके, और टॉकिंग वर्ड है इसलिए हिल नहीं रहा अपनी जगह से, तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। गया उस तरफ, गया गया फीमेल है, मैं गया गया कह रहा इसको। लेग के ऊपर कलर है और शोल्डर पे कलर है, ब्रेस्ट पे कलर है इसकी, बहुत आला बहुत यूनिक चीज़ है। इसके स्प्लिट हैं, इसके स्प्लिट हैं भाई? नहीं, इसके स्प्लिट दे दिए हैं, इसके स्प्लिट दे दिए हैं। अच्छा जी, आगे क्या है? आगे ये ब्लू ब्लू रहा है, ये क्या है? ये इस तरफ आप इस तरफ आए भाई, इधर से दिखाता हूँ। ये ब्लू रहा, ब्लू है, इसके साथ डार्क ग्रीन है, डार्क ग्रीन, ठीक है। तो ये दोस्तों के लिए कि अपने लिए है? ये अपने लिए, ये वर्किंग हो रही है वॉलेट की, वॉलेट बनाना चाह रहे हैं आप। ये कितनी उम्र का है? ये तकरीबन 3 साल का है। 3 साल का, इसमें वॉलेट बन जाएगा आपसे? हाँ जी, 3 साल। कितना साल में? ये तकरीबन 6-7 साल है। 6-7 साल, सही है। आगे चलते हैं अब। ये भी ऐसे ही है, यहाँ पर ना थोड़ा वो पीछे से लाइट डायरेक्ट आ रही है, फिर भी ओपन करके दिखाते हैं यहाँ से। अच्छा वसीम भाई, अभी फिर क्या नज़र आ रहा है दोबारा? मैं एक और ऊपर चढ़ रहे हैं पिंजरे में। हाँ जी, इसमें डार्क ग्रीन का मेल है, डार्क ग्रीन का मेल है, ठीक है, और ब्लू की फीमेल है, ब्लू की फीमेल है। ये भी वॉलेट की वर्किंग है, वॉलेट बनाना चाह रहे हैं। नीचे ब्लू का मेल था ना? हाँ जी। तो आप अगर ड्रेस लगाएं? ब्लू निकलेंगे, फिर ब्लू निकलेंगे, इसमें स्प्लिट निकलेंगे भी, ठीक है। स्प्लिट में ब्लू, वो आगे से कुमार और वॉलेट निकालेंगे, मतलब अभी 4-5 साल 6 साल लग जाएंगे, 7 साल लग जाएंगे। चलो अल्लाह ताला आपको कामयाब करें जी। वसीम भाई अब ये येलो येलो का एक और जोड़ा, ये नहीं ट्रेम है ना, वो तो थोड़ा फ्री हो रही थी, ये बिल्कुल डर रही है हमसे ना। ये देखें, ये रात की फीमेल बैठी हुई है, मोल्डिंग बेल्ट एल इसने फेंकी हुई है अपनी, है ना। इधर से खोल अगर वसीम भाई, इस तरफ आ गई है ये, तो मैं बड़े आराम से यहाँ से खोल कर दिखाता हूँ। नारी है बिल्कुल कॉमन है जी, और फीमेल ये आपको नज़र आ रही है माशाल्लाह जी, बहुत आला बहुत ही आला, अल्लाह ताला नजरे बख्शे बिछाए। कितने सारे पट्ठे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ओलिव की तरफ चलते हैं वहाँ पे जी। वसीम भाई ये क्या है? ये ओलिव की फीमेल है और जमीन मेल है, ओलिव की फीमेल है, ठीक हो गया जी। और ये अपने लिए या देने के लिए? अपने लिए, अपने लिए। इसकी क्या वर्किंग करना चाह रहे हैं ओलिव की आप? इससे ओलिव में जुड़वाएंगे, सारे बच्चे बैठेंगे। ये फिर से ओलिव की फीमेल आ गई, ये मेल है, मेल फीमेल है, फीमेल है, इसके रिंग से आ रहा है। नहीं ऐसे ही है वो। अच्छा ये कितने साल की है? 23 साल की। और जंगली मेल लगाया हुआ है, ठीक हो गया। इसके बाद नीचे चले, ओके जी। नीचे क्या लगा? फिर वही है जोड़ा, और ये की अच्छा, सारी जगह अपने एक ही पता लगाया हुआ है। अच्छा हम किसी भी तरफ जाते हैं वसीम भाई, आपने वो वर्किंग ही हर तरफ की हुई है, वर्किंग करने से फायदा है। आपने हर तरफ वर्किंग की है, जैसे ये वर्किंग है, वो वर्किंग है। बस जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, तो यहाँ पर ब्लैक फेस ब्लैकिंग की भी वर्किंग हो रही है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ये इसकी भी कर रहे हैं वर्किंग, ये क्या नाम है इसका, ये है ब्लैक। इसके साथ ये होगोरोमो ब्लैक विंग ब्लैक फेस की भी वर्किंग कर रहे हैं, और यहाँ पर इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह एक्स भी आ गए हैं, वो भी दिखा देते हैं आपको। तो हर चीज़ के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, लोबर्ड के अंदर भी आप वर्किंग कर रहे हैं, गोल्डियन वगैरह के अंदर भी हर चीज़ में वर्किंग हो रही है, मुर्गियों तक में वर्किंग हो रही है, सही है ना। तो ऐसे है कि वसीम भाई से अगर आप लोग मिलना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वसीम भाई की रसूल पार्क LOS पे, जहाँ पर ये 8 बजे से लेके 11 बजे तक होते हैं, हर दिन होते हैं ना, कोई छुट्टी भी है, हर दिन होते हैं पूरा साल के 365 दिन। और अगर आप लोग फ़ोन पर रब्ता करना चाह रहे हैं, दूसरे मुल्क से हैं, दूसरी सिटी से हैं, तो वसीम भाई अभी अपना बोल देते हैं, उसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। हम लोग टाइमिंग पूछ लेते हैं, टाइमिंग क्या है वसीम भाई, बताएँ ज़रा प्लीज़। 0322 28 25 29 4 लाहौर इस्लामाबाद LOS। टाइमिंग क्या आपकी टाइमिंग क्या बैठ रही है? तकरीबन 6-7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, 6-7 से लेकर रात को 11 बजे तक होते हैं आप, सही है।